हेलो दोस्तों, टैक्स एंड वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक नए वीडियो के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है आप अपनी वेल्थ रेटिंग कैसे चेक कर सकते हैं। सही सुना, आज हम बात करने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत इन्फॉर्मेशन ये दी कि किस तरह से इन्वेस्ट करें, क्या इन्वेस्ट करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी वेल्थ रेटिंग भी चेक करनी होगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस तरह का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। वेल्थ रेटिंग ये हमने अपने हिसाब से एक आइडिया आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि क्या इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तो हमने बहुत बात क्या होना चाहिए और फ्यूचर में इसको किस तरह से रखने की ज़रूरत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और जब आपकी रिटायरमेंट होगी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सही नहीं रखा, सही इन्वेस्टमेंट साइज नहीं रखा, तो जो आज के आपके खर्चे हैं वो कभी कंपनसेट नहीं हो पाएंगे। तो आज हम इसको नंबरिंग 1 से 10 के बीच में एक तो रेट करने वाले हैं कि आप अपने वेल्थ को कैसे रेट करें, आप अपने वेल्थ को जो वेल्थ रेटिंग है उसको आप कैसे निकालें। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये वीडियो शुरू से लास्ट देखेंगे तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप इस कैटेगरी में कहाँ फॉल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को चेक करने के लिए। और जो भी हमारा व्यूअर जो हमें देख रहा है वो बहुत ही ईजी कैलकुलेशन के साथ ये चेक कर सकता है कि उसकी वेल्थ रेटिंग क्या है। अगर गड़बड़ है तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो उसके लिए हमने बहुत वीडियो बनाया, वहाँ पे देख सकते हैं। और जिसकी काफ़ी अच्छी है उसको तो ऑलरेडी हम बधाई देंगे कि वो बहुत अच्छा काम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने क्या किया है कि वेल्थ रेटिंग निकालने के लिए हमने 1 से 10 का एक पैमाना रखा है। यानी कि 1, 2, 3 इसको हमने पुअर कैटेगरी में दिया है, 4, 5, 6 एवरेज दिया, और 7 to 10 हमने गुड और वेरी गुड दिया। यानी कि अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं 1 से 3 के बीच में तो आपको अभी सोचने की ज़रूरत है। अगर 4 से 6 के बीच में आते हैं तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, लेकिन 7+ आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि आखिर हम निकाले कैसे, अपनी वेल्थ रेटिंग जानने के लिए कैसे देखें कि हमारी रेटिंग कहाँ है और क्या हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला हमने कोशिश किया ड्राइव करने के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना एक्सपेंस जानना होगा कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस क्या है। जब तक आप मंथली एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, फ्यूचर में कैसे सोच सकते हैं कि आपको कितनी इनकम की ज़रूरत है। जब आप रिटायर करेंगे या जिस समय आपका रिटायरमेंट होगा उस समय की एक्सपेंसेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम होगा, लेकिन जो लाइफस्टाइल आप आज जी रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप रिटायरमेंट को जाएंगे तो वो लाइफस्टाइल उससे अपग्रेड होनी चाहिए, डाउनग्रेड नहीं होनी चाहिए। मैं ये उम्मीद रखता हूँ और मैं भगवान से कामना भी करता हूँ कि आप अपग्रेड करें, डाउनग्रेड ना करें। अगर डाउनग्रेड हो रहा है तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक लाइफस्टाइल में रहने लगते हैं उससे नीचे रहना और उससे नीचे की चीज़ों पे जा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप उस तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वेल्थ रेटिंग को चेक करें। अगर आपने अपनी वेल्थ रेटिंग चेक नहीं की तो ये परेशानी आपके साथ हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मंथली एक्सपेंसेस कैसे निकालें। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपकी जो टोटल इनकम है महीने की उसमें से आप 2 चीज़ें माइनस करते हैं, एक जो आपने इन्वेस्ट किया, दूसरा एक और भी किसी तरह का आपने एक तो मंथली इन्वेस्टमेंट कर रखा है या किसी तरह का और इन्वेस्ट कर रहा है। तो 2 कंपोनेंट हमने कोशिश की है कि एक तो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है, जैसे SIP जा रही हो, म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जा रहा हो, या रेकनिंग जा रहा हो, या PF जा रहा हो, एक वो आइटम होगा। दूसरा किसी भी तरह का और आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि टोटल जो मंथली इनकम थी माइनस मंथली सेविंग, और कोई अगर और भी तरह की सेविंग है तो उसको माइनस करिए। उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है मोटा मोटी आपकी मंथली एक्सपेंसेस वही है, मंथली एक्सपेंसेस वही है। उसमें बहुत तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं, बट हम मान के चल रहे हैं कि ये एक आपका थंब रूल है कि ये आपको महीने का खर्चा है ही, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब क्या है कि आपने मंथली एक्सपेंसेस तो डाल दिया, अब आपको ये देखना है कि क्या आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो आपकी फ्यूचर जो इनकम आएगी उसको इक्विवेलेंट है या नहीं है। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, जो आपकी मंथली एक्सपेंसेस आज है, अभी मैंने ना इसमें इन्फ्लेशन काउंट किया है, ना किसी तरह का मैंने सर्कमस्टांसिस को काउंट किया। मैं अभी बहुत थंब रूल और बहुत ही आसान शब्दों में बात कर रहा हूँ, मैं उस इन्फ्लेशन में नहीं जा रहा हूँ। आज जो आपकी मंथली एक्सपेंसेस थी, अगर फ्यूचर में जो आपने इन्वेस्ट किया, क्या उससे उतनी इनकम मंथली आ पा रही है जो आपकी आज के मंथ के एक्सपेंसेस को कवर कर सके। यानी कि आपका जो फ्यूचर गोल होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि जो आपके मंथली एक्सपेंसेस है उसको आप कैटर कर पाएं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगा।
उसके लिए एक आपको बहुत आसान सा तरीका है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि अगर मेरी इनकम 1,00,000 रुपये है महीने की और मैं ऑन एन एवरेज 20% की सेविंग करता हूं और 5% एक्स्ट्रा करता हूं, यानी टोटल 25,000 रुपीज़ सेव करता हूं, यानी कि 1,00,000 की सैलरी थी, 25,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया और 75,000 रुपये मैंने खर्च कर दिया। अगर मैं इसको एक 30 इयर्स के लाइफ साइकिल में कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो जो मैंने महीने का पैसा 30 साल मल्टीप्लाई इनटू 12, साल में 12 महीने हो गए और 25,000 पर मंथ में मान के चल रहा हूं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मोटा मोटी जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी वो 90,00,000 होगी। अब प्लस उस पर जो भी मेरा जो भी आप कहें कि 8% से 10% का आप अगर मिनिमम रखते हैं तो जो भी उसकी इनकम है वो एक सेपरेट है। अब ये मान के चल रहे हैं कि आपने 90,00,000 लगाए, अगर 90,00,000 ना मैं इन्फ्लेशन जोड़ रहा हूँ ना किसी तरह की कुछ जोड़ रहा हूँ, अगर आपने 90,00,000 में मान के चल रहा हूँ कि आपको आपके पास आ रहा है सब कुछ लेके, अगर आपने उस समय आज से 30 साल बाद आई डोंट नो कि जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होगा, मेरे हिसाब से 30 साल बाद वो डिक्लाइन करेगा, वो आज जिस लेवल पे हम उस लेवल पे नहीं रह पाए, क्योंकि अगर आप बाहर की कंट्री यूएस और यूरोपियन कंट्री को देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है। फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं 8% का इंटरेस्ट निकाल पाऊंगा, 8% का ROI निकाल पाऊंगा, यानी 90,00,000 पे मैं साल के 7,20,000 रुपये कमाऊंगा, यानी महीने के मैं 60,000 रुपये पे हूँ। अब ये देखें कि अब हम मैं रेटिंग की बात करूंगा, जो 1 से 10 का मैंने जो डायग्राम दिया था उस पर तो आते हैं, यानी कि आपने महीने का 60,000 रुपये का बंदोबस्त कर रखा है और जो आपकी आज की प्रेजेंट एक्सपेंसेस थी वो 75,000 के आसपास थी। अब आप सोच सकते हैं कि हमारी रेटिंग कैसे काम करेगी। हमने कहा कि 1 से 3 के बीच में इसलिए रखा कि 75,000 के आसपास अगर आप हैं तब भी आप पुअर है, क्योंकि इन्फ्लेशन इंडेक्स इतनी तेजी से होगी, अगर मैं 3% का इन्फ्लेशन हूँ तो पता नहीं अमाउंट कहाँ पे जाएगा। फिर भी मैं इसको कॉन्स्टेंट रखता हूँ और फिक्स रखता हूँ कि 75,000 की खर्चे तो आपकी होगी होगी। तब भी अगर आपने 90,00,000 रुपये सेव किया, मैं इसलिए 90,00,000 पे हूँ क्योंकि 25,000 की पता नहीं आप एवरेज बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, जनरली देखा गया 15% से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते, 25% तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 15% से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अगर उस तरह से भी मैं कैलकुलेट करूँ तो जो आपकी आज की एक्सपेंसेस थी 75,000, आप उसके अगल बगल भी नहीं है, यानी अब आपको देखना है कि 1 से 3 के बीच में आप कहाँ हैं। फिर भी मैं मान के चलूंगा कि आप 2 नंबर पे हैं, यानी कि आपकी जो रेटिंग है 2 है, लेकिन अगर वही आपकी इनकम 75,000 के आसपास होती या 75,000 होती, 75,000 होती, तब आपकी रेटिंग 1 और 6 के बीच में होती, लेकिन तब भी आप 4 पे ही होते। क्यों? क्योंकि आप अभी 75 के आसपास ही हैं और जब आपकी एज बढ़ती है तो याद रखिएगा बहुत तरह के और खर्चे आते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाती है, प्लस और तरह की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जो आज के डेट में नहीं है, मेडिसिन हो गई, मेडिकल हो गया, और पता नहीं किस किस तरह की प्रॉब्लम आपके लाइफ में उस लेवल पर आके आ जाती है। तो आप देखें कि अगर 75,000 75,000 के आसपास है या 80,000 है तो नॉट टू गुड, बट इतना है कि आप सर्वाइव करेंगे। लेकिन अगर आपकी मंथली इनकम 1,00,000 है या 1.5 लाख है या 2 लाख है, तब मैं उसको गुड और वेरी गुड के एवरेज में लेके जा पाऊंगा, उसके नीचे नहीं ले। तो हमारा ये पूरा एजेंडा ये था ये बताने कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी वेल्थ रेटिंग जरूर चेक करें। अगर ये कैटेगरी 1 से 6 के बीच में है तो मैं कहूंगा कि आप उसको एक बार रीथिंक करने की जरूरत है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, उस पर सोचने की जरूरत है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी इनकम का कम से कम 15 से 20% जरूर इन्वेस्ट करें। अगर आप नहीं करते हैं तो जब आपकी रिटायरमेंट की टाइम आएगी उस समय आपको बहुत परेशानी होगी, और क्या आएगी, एक बार ट्रेन छूट जाने के बाद उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और लाइफ में जिस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं, तो खर्चों का रेशियो जो है आपकी इनकम के साथ, जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती है खर्चे वैसे नहीं बढ़ते, खर्चे हमेशा अपर साइड पर रहते हैं, इनकम हमेशा लोअर साइड पर रहती है। तो ये आज आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप अपनी वेल्थ रेटिंग को कैसे ठीक करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको लगे कि किसी तरह का और सजेशन की आपको ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस बात की रिप्लाई करने का। तो आज का हमारा वीडियो
पूरा का पूरा केवल केवल वेल्थ रेटिंग पे था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ हम ऐप स्टोर पे भी हैं, फायर टीवी पे भी हैं और वेबसाइट के taxforwealth.com पे भी हैं। तो अगर आपको और भी हमारे अगर वीडियो देखने हो तो आप वहाँ जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ जाके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ बेल बटन भी जरूर दबाएं ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसके नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।